केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। इससे पहले भी कई बार जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अब एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही शराब घोटाले का जो मामला था उसके चलते अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही थी और अब बड़ी खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की, जिसके बाद में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने 10 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित की थी और आज जब सुनवाई पूरी हुई तो उसके बाद में 10 जून तक की जमानत दे दी गई है। यह अंतरिम जमानत है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, बताइए क्या ज्यादा जानकारी। देखिए, तकरीबन 15 मिनट पहले इस मामले पर कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी, और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, और इस मामले पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था उस मामले पर सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह से बता रहा है इस मामले में अभी इस पक्ष में हलफनामा दायर किया गया है तो उस मामले पर कई तरह के सवाल उन्होंने उठाया था। तो एक तरह से इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आज जो पहले से ही तय था कि आज इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत का जो एक फैसला जो है वो सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक का अंतरिम जमानत प्रदान किया गया। हालांकि अंतरिम जमानत देने के लिए जो तमाम प्रावधान है, तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बकायदा, वो इस मामले में पहले ही जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई के दौरान में तमाम बातों को रखा गया था, काफी विस्तार से उन तमाम बातों को रखा गया था कि अगर अंतरिम जमानत दिया जाता है तो अंतरिम जमानत देने के लिए वो क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या निर्देश है, तो और कुछ उस मामले पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले से तय थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर होने का भी निर्देश दिया है। क्या कुछ शर्तें भी रखी गई है इस जमानत को लेकर, और इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईडी की तरफ से विरोध भी किया गया था जमानत का, तो उसके बाद में क्या आधार रहा जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है? देखिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए थे वो मुख्य तौर पे था कि वो जब तक अंतरिम जमानत पे होंगे उस दौरान में कोई भी किसी भी तरह के फाइल पे वो सिग्नेचर नहीं करेंगे। जिस तरह से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहने के दौरान उस वक्त में कोई भी फाइल जो है वो नहीं देखेंगे या उस तरह के मामलों पर आपराधिक उस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई भी सिग्नेचर्स नहीं होंगे। इसके साथ साथ कई अन्य प्रावधान को भी रखा गया था, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा गया था। हालांकि उन तमाम कंडीशंस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो तमाम अपनी सहमति उस वक्त में ही पिछली सुनवाई के दौरान भी दे चुके थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस मामले पर सहमति जरूर दे दी गई थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से आज जमानत का जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर में बेहद उत्साह को देखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि हमें कोई भी समान जो है समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए, एक बड़ी सी लाइन जो नहीं खींचनी चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं वो इस फैसले को सुनाने के वक्त में उन्होंने कहा है कि उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के पहले या बाद में भी हो सकती थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के वक्त सीमा और उस वक्त में तमाम मसलों को ध्यान में रखा गया। लेकिन शंकर आनंद, ये फैसला अपने आप में बेहद खास हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी भी शख्स को, किसी भी राजनीतिक शख्स को कह ले कि चुनाव प्रचार करने के लिए इस तरह परमिशन नहीं दी गई है, जहां तक कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ता रहा है उसको भी कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं दी गई। लेकिन पहली बार अब ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले कभी भी इस तरह के जमानत, अंतरिम जमानत जो है वो किसी भी राजनेता को नहीं दिया गया था, और इस मामले को लेकर जिस तरह से पहले 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई
कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूँ। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल रहा हूं, टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल फॉर दिस मैटर and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release slash bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say during while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself and we hope that it should happen today itself. Thank you. तो शंकर आनंद हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और ये फैसला अपने आप में बेहद खास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे शख्स जिनको चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, 1 जून तक जमानत दी गई है, ये अंतरिम जमानत है और एक बड़ी राहत इसे आम आदमी पार्टी के लिए भी कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट के पक्ष में अरविंद केजरीवाल अब आपको वोट मांगते हुए जनता के बीच में नजर आएंगे। हालांकि कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि वो कुछ पेपर्स पर साइन नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई की है, और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ जी, ये तो मेरे को बाद में लिख के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे इनवाइट कर। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, 1 जून तक के लिए ये अंतरिम जमानत है, लेकिन वहीं ईडी की तरफ से इस जमानत का विरोध भी किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि झूठे मामलों में फंसाया गया था, इस अंतरिम जमानत मिलने के बाद में ये साबित होता है। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है, और साथ ही ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, और ना ही ये किसी कानूनी अधिकार में आता है। और 2017 में चुनाव आयोग बना मुख्तार अंसारी मामले का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अब बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि अब वो जनता के बीच में आपको नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए, और ये अर्जी दाखिल की गई थी, हालांकि इससे पहले भी कई अर्जी लगाई गई थी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सभी को खारिज कर दिया था। शंकर आनंद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है, अब वो चुनाव प्रचार करते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई हैं, मैं चाहूंगी आप उसका भी जिक्र करें। वो कह रहे हैं कि इसी फैसले को आधार बनाकर बाकी कोर्ट में भी अब इस तरह की अर्जी दाखिल की जा सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को अगर जिस तरह से अंतरिम जमानत मिली है, तो इस बात को आधार बनाते हुए अन्य कई राजनेता अब इस मामले को लेकर आगे कोर्ट पहुंच सकते हैं और वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं, और ऐसी संभावना जताई है। हालांकि इस तरह की संभावनाओं को पिछले कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी इस मामले को लेकर, उस वक्त में भी चर्चा की गई थी, उस वक्त में भी ये कहा गया था कि अगर ऐसा होता है, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाएगी, तो हो सकता है कि एक मिसाल बन जाए, और मिसाल बनता है तो अगर तो कई अन्य दूसरे जो राजनेता हैं वो भी इस मामले में जमानत की ईडी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत मिल गई है, और इससे ये साबित होता है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो आरोप लगे हैं, वो बेबुनियाद है।